24 फरवरी 1988 को इस दुनिया से अलविदा कहने वाली ललिता पवार अपने आखिरी समय में अकेली रही। उनकी मौत मुंह के कैंसर से हुई थी। ललिता ने जिस समय अंतिम सांस ली थी वो अपने बंगले में अकेली थी और उनके पति अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर 3 दिन बाद पता चली थी। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में करीबन 700 फिल्मों में काम किया, लेकिन लोकप्रियता उन्हें रामायण में मंथरा का रोल निभाकर मिली। इस रोल के बाद लोग उनसे असल जिंदगी में भी नफरत करने लगे थे। ललिता पवार बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ हादसा हो गया और उनकी एक आंख चली गई। इस तरह उनका हीरोइन बनने का सपना अधूरा रह गया। ललिता पवार ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने 2 शादियां की। ललिता के पहले पति गणपत पवार ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत का अफेयर ललिता की छोटी बहन से हो गया था। इसके बाद ललिता ने राज प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली थी। महज 9 साल की उम्र में ही ललिता ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। ललिता पवार अपने जमाने में बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। हर तरफ उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे, लेकिन हादसे के बाद उन्हें फिल्मों में हीरोइन का रोल नहीं मिला। हालांकि ललिता ने कैरेक्टर रोल से जबरदस्त वापसी की। ललिता पवार की कुछ चर्चित फिल्मों में अनाड़ी, परछाई, श्री 420, मिस्टर एंड मिसेस पिचपन आदि शामिल है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।